Good morning everyone, welcome you all at Cascadian Fussel Farm and today I will meet you a senior citizen who belongs to Meerut only और वो nature lover है जिनको fruits, vegetables, plants से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये हमारे senior citizen है गर्ग साहब और मैं इनको इनके बारे में बता दूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि इन्होंने बहुत सारी places explore करी हैं और ये nature से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनकी जो childhood है वो जैविक के साथ ही ग्रो अप हुए हैं तो इनके इनसे बेहतर और ऑर्गेनिक के बारे में कौन बता सकता है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़ अपना मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गर्ग मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और परिषदगढ़ ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ और मैं शुरू से ही जैविक खेती के लिए बहुत औतुर रहा हूँ और बहुत अच्छी जैविक खेती में ही मतलब सार है पहले जैविक खेती होती थी तो कहीं डॉक्टर की कहीं किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आज जो है सारा मतलब सब फर्टिलाइज़र और केमिकल्स की वजह से जो है सारे जो है मतलब अस्त व्यस्त हो गया लाइफ की सारे डिस्टर्बेंस हो गया है और जैविक खेती में ये सब कुछ नहीं पहले गांवों में कस्बों में डॉक्टर होते नहीं थे और शहर में भी जो है मुश्किल से ढूंढे चार डॉक्टर मिलते थे पूरे शहर में तो आज जो है डॉक्टर की लाइन लगी पड़ी है वो सिर्फ केमिकल और ये खाद भी खा रहे हैं मतलब उसकी वजह से सारा जो है जीवन ख़राब हो गया है पहले जैविक खेती होती थी तो डॉक्टर की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोग कम बीमार होते थे और उससे जो है काफ़ी मतलब आदमी को मतलब सफल ज़िंदगी थी आज बहुत सारी जो है परेशानियाँ खड़ी हो गई हैं वो सब जो है आदमी को बीमारियाँ घेर रखा है अब पहले ऐसी बीमारी नहीं थी थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताएंगे कि आपकी लाइफ कैसी रही अभी मैं जो हूँ जब तक मतलब गांव में घर की तरफ रहा मतलब परिषदगढ़ रहा तब तक तो बिल्कुल ही मतलब जो है मतलब हमें कुछ कभी कोई डॉक्टर के पास कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और चूँकि मतलब पहले केमिकल्स और ये फर्टिलाइज़र लगते नहीं थे जी जी तो पहले सीधा गोबरी खाद लगती थी हाँ। जैविक खेती होती थी और उसमें भले ही कुछ कम पैदा होता था लेकिन वो सार था उसमें बहुत अच्छा था तो जिस तरह से हमने आपको अपने एक इंडिया के सीनियर सिटीजन से मिलवाया है गर्ग जी से उन्होंने अपने बारे में बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना चाइल्डहुड एक जैविक खेती के साथ निभाया और उन्होंने देखा है किस तरह से ऑर्गेनिक से कन्वेंशनल कन्वर्जन होता जा रहा है और कैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई है तो इनका जो हम लोगों के लिए यहाँ पर आना हम आपको बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ऑल फॉर सीइंग अस वीडियो वंदे मातरम